दोस्तों ये है मेरे पीछे दूध सागर, दिखाता हूँ आपको मैं। और ये है रेलवे ट्रैक जहाँ पे शूटिंग हुई थी। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों आज ये है हमारा तीसरा दिन गोवा में और आज हम निकल रहे हैं दूध सागर के लिए। तो आपको ले चलते हैं दूध सागर की ओर और आपको दिखाएंगे वंडरफुल वाटरफॉल जो चेन्नई एक्सप्रेस में था। राइट, सब तैयार हो चुके हैं, क्यारा लुकिंग ब्यूटीफुल और आदि भी। तो दोस्तों चलो चलते हैं, हम फटाफट निकलना क्योंकि 2-2.5 घंटे का रास्ता है यहाँ से। फटाफट चलेंगे और फटाफट आएंगे भी, वहाँ मौज मस्ती भी करनी है थोड़ी सी और फिर उसके बाद आपको ले चलेंगे हम दोबारा बीच में। हैं तो दोस्तों हम तो है खाली पेट, पर हम गाड़ी का पेट फुल करा रहे हैं यहाँ से लेने दूध सागर। तो दूध सागर जाने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत है हमें, तो पेट्रोल भरा लिया है हमने और अब यहाँ से निकलेंगे हमारे लिए। तो अभी करते हैं काम, हमने यहाँ कर दी गाड़ी पार्क। यहाँ से जो दूध सागर है यहाँ से सरकारी गाड़ियाँ जीप जाती हैं, यहाँ पे इससे आगे गाड़ी नहीं जाती हैं। तो यहाँ पर हमने गाड़ी पार्क कर दी है, 100 रुपए की पार्किंग है अभी। तो यहाँ पे हमने गाड़ी पार्क कर दी है अपनी। इसके बाद यहाँ पे पीछे जो आपको ये घर दिख रहा है यहाँ पे टिकट मिलती है, तो वहाँ से जीप करेंगे और सरकारी जीप हमको लेके जाएगी दूध सागर। और देखते हैं यहाँ पे कुछ चाय या मैगी वैगी कुछ अगर मन करा तो खाएंगे। अभी वैसे भूख लग रही है क्या? तो फिर खा लेते हैं, बैठते हैं इस पर। तो उसको करते हैं नाश्ता पानी बगल में ही, जहाँ पार्किंग करी है उसी के बगल में ये है रेस्टोरेंट छोटा सा। यहाँ पे खाएंगे पाव भाजी, फर्स्ट प्लेट में पूरी भाजी और पाव भाजी। पाव भाजी खा रहे हैं दोस्तों। पाव तो आ गए, भाजी का वेट हो रहा है। हमारे यहाँ भाजी बोलते हैं बड़े भाई को, भाजी भी आ गई है। अंकल भाजी ले आए, ज्यादा बड़ी तो नहीं है ना? हाँ छोटी तो ठीक है। तो दोस्तों अभी वो करें नाश्ता और हम जा रहे हैं टिकट कटाने। यहाँ पे सरकारी बूथ पर टिकट कटाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से सरकारी गाड़ी जाती है आगे, क्योंकि जंगल है, फॉरेस्ट एरिया है, प्राइवेट गाड़ी नहीं जा सकती अंदर। आप भी अगर आएँ तो वो यहाँ पे ही आपको अपनी गाड़ी पार्किंग करनी पड़ेगी, आप उससे आगे जा नहीं सकते अपनी गाड़ी लेके। तो हम फटाफट टिकट कराते हैं, सरकारी टिकट जो कटेगी मेरे ख्याल से 650 पर पर्सन है। लेट्स अंदर है। अच्छा दोस्तों ये है, तो दोस्तों 3500 रुपये की प्राइवेट कार बुक हो रही है, उसमें आपको 1.5 घंटा वहाँ पे स्टे मिलेगा और बुकिंग करते ही आपको निकलना पड़ेगा, इसलिए पहले हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और फिर उसके बाद बुकिंग कराते हैं और फिर निकलेंगे यहाँ से। आपको लाइफ जैकेट के 20 या 40 रुपीज़ पर पर्सन देने हैं। एक चेक पोस्ट भी जब पड़ता है वहाँ पे आपको 100 रुपये पर पर्सन देना है, तो ऑलमोस्ट आपका 4200 या 4000 के आसपास आपका पड़ेगा। तभी नाश्ता करके फटाफट निकलते हैं और आपको दूध सागर की सैर कराते हैं। दोस्तों फाइनली नाश्ता हो चुका है और अब हम गाड़ी करके प्राइवेट गाड़ी करके आगे निकलेंगे। पीछे जा रहे हैं सुमन और सारे और हम जा रहे हैं आगे आगे, मैं और आदि, और यहाँ से लेके चलते हैं आपको दूध सागर। लेट्स गो दोस्तों। दोस्तों गाड़ी हमने कर ली है, ओके गाड़ी को लेके आ रहे हैं और ये हमने लाइफ जैकेट्स भी ले लिए हैं वहाँ के लिए दूध सागर के लिए। ऑल आर रेडी। और ये हमारा लौंडा हो रखा है बाबला। दोस्तों हमने गाड़ी कर लिया है, ये है महिंद्रा की बुलेरो, इसमें जाएंगे हम वहाँ पे और शरम को लेके जाएंगे। हम बैठते हैं पीछे कुछ लोग और कुछ आगे। तो दोस्तों बैठ गए हैं बुलेरो में, तुम आगे हो ना? अच्छा आगे हो, और अन्नी जरा आगे और हम पीछे। ये लोग थोड़े से पीछे। और हम जा रहे हैं कहाँ पे? जंगल बगूरी, जंगल मुंगी, यस दूध सागर।
तो दोस्तों ये है जंगल का रास्ता आप देख रहे होंगे, इसीलिए यहाँ पे प्राइवेट गाड़ियाँ अलाउ नहीं है। ये ऐसा लग रहा है जैसे हम जिम कॉर्गेट की जंगल सफारी में जा रहे हैं। पूरा ऐसा एरिया है यहाँ पे। तो दोस्तों ये है फॉरेस्ट, हमारे 600 रुपए दे दो, हमारे पास ले आना। दोस्तों दैट इज रियली गुड, जो यहाँ पे हमारा चेक पोस्ट है, जहाँ पे हमें चेक पोस्ट की पर पर्सन 100 रुपीज दी है, वहाँ पे प्रॉपर बोटलें चेक करी जा रही है, कितनी पानी की बोटलें हम लेके जा रहे हैं उस पे गाड़ी का नंबर लिखा जा रहा है ताकि वो बोटलें वापस आएँ। अगर वहाँ पे उस नंबर की बोटलें मिली तो उस पे चलाना है, तो उन्होंने हमारी बोटलों पे नंबर लिख दिया है। तो दैट इज़ रियली गुड, ऐसा ही हर जगह होना चाहिए ताकि कूड़ा ना फैले, जैसे कि हाल आपका वहाँ पे हुआ है लद्दाख में, कूड़ों का ढेर बन गया है। तो इन्होंने यहाँ तो यहाँ पर इन्होंने ये बहुत बढ़िया करा हुआ है कि मार्किंग हो रही है प्लास्टिक की बॉटल्स में, जो आप लेके जाओगे उसे वापस भी लेके आओगे। दोस्तों चल रही है गोवा में हमारी जंगल सफारी, और पीछे जंगल नदी सब है, और बहुत झटके लग रहे हैं, रोड बहुत खराब है। तो आपको लेके चल रहे हैं दूप सागर। दोस्तों स्टे ट्यून्ड विद अस, अब तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को और शेयर भी करें दोस्तों के साथ। तो दोस्तों यहाँ पर रोड कुछ ऐसा है कि झटके लग रहे हैं, दुनिया अगर आपने कभी GIP में झूला है जोल्टर, अगर आप उसमें बैठे होंगे तो बिल्कुल वैसा ही फील आ रहा है इस गाड़ी की राइड में, जंगल सफारी में। हम अच्छे से द बेस्ट पार्ट इज हमने अपनी खुद की प्राइवेट गाड़ी कर ली, नहीं तो अगर इसमें दो बंदे और होते तो। तो दोस्तों बस दूध सागर थोड़ी दूर रह गए, हमारे पास लाइफ जैकेट्स हैं, बंदे जाके पहनेंगे हम, और यहाँ पे मंकीज़ भी हैं। मैं बहुत एक्सपेक्ट कर रहा था कि मंकीज़ नहीं है आसपास, पास यहाँ मंकीज़ हैं, ये बेबी मंकी है। तो ये रास्ता है दोस्तों ये नीचे जा रहा है दूध सागर के लिए, और लाइफ जैकेट इज कंपलसरी हमारे पास है। आर के वाटरफॉल के बाद अभी पहुँचते हम, इधर बता रहा है, उधर बता रहा है। अरे भाई हमारे साथी धीरे धीरे मट मट के कहाँ चल रहे हो, धीरे धीरे जल्दी आओ। लाइफ जैकेट के लिए रुको। हमारे देखो दोस्तों जंगलों के बीच है हम, आदि वी आर इन बिटवीन द जंगल, यस जंगल देखिए, सफारी करने आए, सफारी। हाँ तो ये पुल भी है बीच में, पुल से जाना है अभी। दोस्तों ये नदी आ रही है जो दूध सागर से ही झरना बन रहा है, तो इसको दूध सागर दोस्तों इसलिए कहते हैं क्योंकि जो आप देखोगे अभी जो वाटरफॉल वो पूरा सफ़ेद होता है जस्ट लाइक अ मिल्क, तो इसीलिए उसको दूध सागर कहा जाता है। आदि क्रॉस करो आराम से, नॉट टच द मंकी, चलो 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 पार करो, पार करो, आगे जाओ, गो 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 गो। तो दोस्तों देखो जंगल पूरा, बीच में नदी जा रही है और इन्होंने यहाँ पुल बना रखा है, और ये आ रही सुमन, वाटर इज जस्ट अहेड ऑफ अस, और आपको दिखाता हूँ मैं 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो दोस्तों ये है मेरे पीछे दूध सागर, दिखाता हूँ आपको मैं, और ये है रेलवे ट्रैक जहाँ पे शूटिंग हुई थी, और ये आ रहा है आपका दूध सागर का झरना नीचे तक, और यहाँ लोग कर रहे हैं एंजॉय, अभी देखते हैं शायद हम भी करेंगे। दोस्तों हम बस अबाउट टू लीव थे और यहाँ पे अनिल कपूरवान की चप्पल फंस गई है पानी के अंदर, और हमने एक गार्ड बुलाया। क्या बोल रहा हो, है
दिख रही है कोई नहीं, यही पहन ले भाई, अरे यही पहन ले, यही पहन ले भाई, यही पहन ले, ये नहीं है, ये दूसरी है, वही पे रखा दूसरी, अरे यही पहन ले भाई, ये नहीं होगी तेरी चप्पल। तो दोस्तों दूध सागर को बोलते हैं बाय बाय। बहुत गर्मी है इस समय और बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, इसलिए हम ज़्यादा देर नहीं रुके यहाँ पे, बस फोटोज़ खिंचाई हमने और अब फोटोज़ खिंचा के निकल रहे हैं यहाँ से। तो इसलिए हमको जाना है पूल में। यस, तो हम जो पानी में यहाँ पे बच्चे एंजॉय कर रहे थे, पानी में तैर रहे थे, वो हम अपने होटल पे जाके करेंगे, क्योंकि यहाँ बहुत गर्मी है और पसीने ऐसे निकल रहे हैं, तर तर हो रखे हैं हम। टाइम हो गया 11:30, हमें 12 बजे तक बाहर पहुँचना है, एज इन 1.5 घंटे का टाइम होता है अंदर। अभी लोग मस्ती कर ही रहे हैं पर हम मस्ती नहीं कर रहे, हम जा रहे हैं, हम करेंगे होटल में जाके मस्ती। अरे फिर मिल गए, आपकी फ्रेंड आ गई अव्यान, आपकी फ्रेंड। नमस्ते, बड़े से हेलो, आ गए घूम के, हाँ घूम, अब सुबह आ गए थे हम, जल्दी गए, हाँ मैम सुबह सुबह आ गया था, साल भी नहीं किया होटल में, ये बड़ा अच्छा करे, हम थोड़ा लेट हो गया। अच्छा, तो गर्मी बहुत हो गई है, हम तो जब आए तभी इतनी गर्मी, हम तो नहाए भी नहीं, हमने कहा चलो यार, चलो चलो बाय बाय कह दो, बाय। चले चले, तो अभियान का फ्रेंड मिला, बीच वाला फ्रेंड मिली, यू तो चप्पल संभाले रखे हाँ। दोस्तों मिले गढ़वाली फ्रेंड कुछ यहाँ पे भी, और अब चलते हैं और आगे अब निकलेंगे। कल ही हमें बीच में भी मिले थे, हमने बीच में बैठ के आराम से खूब बातें करी इनके साथ, आदि बहुत खेल रहा था, आदि और क्यारा खूब खेले थे इनके साथ, और हम निकलते हैं। तो दोस्तों ये है हमारी सफाई राइड, अभी देखना गड्ढे बहुत है रोड में, क्योंकि जंगल की रोड है और यहाँ पे जंगलात में रोड बनती नहीं है, ये ऐसी रहती है, इसीलिए थोड़ा बम्पी बम्पी है। दोस्तों दूध सागर और धूल मिट्टी खाने के बाद अब पीते गन्ने का जूस, आ जाओ इधर, आओ इधर, अब इधर बैठ के पियेंगे जूस, लॉलीपॉप इधर बैठो बैठो, आ जाओ आ जाओ। तो दोस्तों पीते हैं गन्ने का जूस, बहुत गर्मी लग गई है, बैठते हैं, कमर टूट गई है, कैसा लगा? बम्पी राइड। मजा आ रहा है, रिफ्रेशिंग का फील हो रहा है ना, थोड़ा और मसाला, थोड़ा मसाला और, हाँ। तो दोस्तों लंच के लिए रुके हैं हम अर्बन टर्बन में, देखते हैं का लंच कैसा है, आपको दिखाते हैं सामने से रेस्टोरेंट का शक्ल। हाँ, यहाँ से हमारा जो रिजॉर्ट मतलब हमारा रूम है वो 12 मिनट की दूरी पे है, तो हमने कहा लंच करके चलते हैं फिर करेंगे मस्ती। तो ये है दोस्तों अर्बन टर्बन, जहाँ खाएंगे अभी हम लंच, और यहाँ से नीचे बलूची वाला फील,
बाल्टी में आई है आपकी दाल। लो